आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिम स्टडी में वादे के मुताबिक मैंने आपको बोला था 10 जनवरी से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और वादे के मुताबिक आज मैंने आपके लिए क्लास स्टार्ट कर दिया है जो भी नए विवर है चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पर क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं क्लास ट्वेल्थ आर्ट्स के लिए और सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाएंगे एक सटीक तरीके से सटीक एनालिसिस के साथ वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा जो आपके एग्जाम में आएंगे तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो देखने से

वीडियो को देखकर इससे क्या होगा जितना भी मैं आपको सिलेबस कंप्लीट करूंगा उसका नोट्स भी बनते जाएगा और नोट्स जब बना लोगे रिवीजन के टाइम उसी नोट्स से रिवीजन कर देना है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट आपका रिवीजन भी कंप्लीट और आपका एग्जाम में भी रिजल्ट बेटर आएगा सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिएगा क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला का दो अंक के जितने भी क्वेश्चन है वह सारे इसी वीडियो में कवर किए जाएंगे तकरीबन बीस से पच्चीस या फिर तीस क्वेश्चन लगभग हैं तो वीडियो को बर्दाश्त करके देखिएगा सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाएंगे और यही हुबाह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपका यहाँ पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो 2010 में पूछा गया है 2010 में भी पूछा गया है तो हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी पूछ दे क्वेश्चन क्या है पुरातत्व द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के कोई चार नगरों के नाम लिखे आपको इस तरीके से आंसर लिख देना है आंसर में क्या लिखना है पुरातत्व तो वैज्ञानिकों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों की खोज की गई जिनमें से चार पहला है हड़प्पा दूसरा मोहनजोदड़ो तीसरा चहुदड़ो और चौथा आपका लोथल है दूसरा क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसको हड़प्पा संस्कृति या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है तो आखिर क्यों जाना जाता है ये आपको बताना है आपको सिंपल क्या लिखना है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले जो खोज की गई थी वह हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं ठीक है दूसरा नंबर पर दूसरा भी आप लोग पॉइंट लिख दीजिएगा मान के चलिए दो नंबर का क्वेश्चन रहे तो एक नंबर में तो इसमें तो मिल जाएगा लेकिन दूसरा भी अपने से डाल दीजिएगा कि इसकी सर्वप्रथम खोज उन्नीस में की गई थी और किसने किया था दयाराम राम साहिनी ने किया था चलिए आगे देखते हैं दूसरा नंबर आरंभिक तथा वर्ती हड़प्पा संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं सिंपल आंसर आपको देना है टेंशन एक जरा सा भी नहीं लेना है क्या आंसर है सिंधु घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी क्रमशः आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है कहने का मतलब है पहले भी हड़प्पा सभ्यता से भी पहले सभ्यता था और बाद में भी था इसे ही क्या कहा जाता है प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति ठीक है दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है तो आपको इसी तरह आंसर लिख देना है एक भी नंबर नहीं कटेगा तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक कीजिएगा ठीक है बहुत मेहनत से आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट चैप्टर वाइज फ्री कंटेंट आपको कोई भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा ना ही प्रोवाइड आपको कराएंगे आपको पेड कोर्स बोलेंगे लेने के लिए आपको पैसे देने होंगे या फिर जैसे तैसे जो भी है लेकिन आपको प्रोवाइड फ्री में नहीं करवाएंगे तो फ्री में मिल रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक कम से कम जरूर कीजिए

सभी को याद कर लेना है। फोर्थ नंबर क्या आपका अवतल चक्कियों का क्या उपयोग था चलिए आंसर में देखते हैं कि क्या उपयोग था अवतल चक्की का हड़प्पा स्थलों विशेष रूप से मोहनजोदड़ों में अनेक अवतल चक्कियां मिली है यहां पर देखिए एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अवतल चक्किया सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है तो मोहन से मिली है याद रखिएगा उतल चक्किया विद्वानों का अनुमान है कि इनकी सहायता से अनाज पीसा जाता है इससे क्या किया जाता है अनाज को पीसा जाता है दो तरीके से पीसा जाता है दो प्रकार से कैसे कैसे ये चक्किया मुख्यतः कठोर कंकड़ीले अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली है एक वे है जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर जो आगे पीछे है चलाया जाता था जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या आपका हड़प्पा स्थल देखिए नंबर है एक क्वेश्चन क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया था बैंक वाला हड़प्पा स्थल की दुर्दशा के क्या कारण है दूरदशा मतलब जैसे हड़प्पा स्थल की खोज की गई ना तो उसकी दुर्दशा मतलब तो क्या है यहां पर देखिए हड़प्पा स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गई कैसे वस्तुता इसे ईंट चुनने वाले ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था मतलब ईट चुनने वाले जो लोग थे उन्होंने ईंट को इतना चुरा लिया था इतना वहां से ले जाकर खत्म कर दिया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि यह हड़प्पा संस्कृति है कि नहीं है दूसरा दूसरा क्या कारण है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई की मात्रा लगभग सौ मील लंबी सोच लीजिए सौ मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के के बीच की रेल पटरी लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी मतलब वहां पर रेल का कुछ काम चल रहा होगा पटरियों को बिछाने का और वहां पर क्या कर रहा था सौ मील लंबा ईंट बिछाया गया था वही हड़प्पा सभ्यता के ईंटों को ले जाकर रेल के पटरियों में तो इस तरीके से इसकी

त्रिभुजा आकार की है ठीक है और इसका क्षेत्रफल लगभग बारह लाख निन्यानवे हज़ार छः सौ वर्ग किलोमीटर है तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो आगे बढ़ते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन सेवन नंबर क्वेश्चन क्या आपका सांस्कृतिक पद की परिभाषा दीजिए भारतीय इतिहास से एक उदाहरण दे तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है पुरातात्विद सांस्कृतिक शब्द का इस्तेमाल पुरानी वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक समान शैली के होते हैं और जो आमतौर पर एक साथ एक खास भौगोलिक क्षेत्र और एक कलांश से संबंध रखते हैं उदाहरण के तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पाई संस्कृति सबसे पुरानी शहरी संस्कृति है इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है आगे देखिए एक नंबर क्वेश्चन हड़प्पाई सभ्यता से संबंधित विशिष्ट पदार्थों के नाम लिखे ये पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं तो उत्तर क्या है आपका हड़प्पाई संस्कृति से संबंधित विशिष्ट जो वस्तुएं मिली थी उनमें मोहरे थी बांटे थी बांटो मतलब होता है जो वजन करते हैं जिससे थर के ब्लेड और पकी हुई ईटे आदि इनमें शामिल थे देखिए पकी हुई ईंटें ही मिलेगी क्योंकि कच्ची ईंट आपका क्या होता है तुरंत गल कर यानी वर्षा के पानी से गल कर खत्म हो जाता है तो अब इसलिए पकी ईंट ही लिखना है कच्ची ईंट मत लिख देना ये सभी वस्तुएं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त हुई है कहाँ से हुई है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से नाइन्थ नंबर है आपका हड़प्पा संस्कृति के नामकरण और अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए हड़प्पा में हड़प्पाई जगह में कौन कौन सी संस्कृतिया थी उसका नामकरण करना है और उसकी अवस्थाओं के बारे में बताना है यानी जो हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया है मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से बोला गया है तो इसका नामकरण कैसे पड़ा इसके बारे में बताना है तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ हड़प्पाई सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया था यानी हड़प्पा जो संस्कृति थी वो हड़प्पा नाम के जगह के स्थान से ही लिया गया है इसका नामकरण किया गया है इस संस्कृति की दो निम्न अवस्थाएं हैं पहला प्रारंभिक अवस्था दूसरा उत्तरकालीन हड़प्पाई या फिर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति है क्वेश्चन नंबर दस क्या है हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नामों का उल्लेख कीजिए देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है तीन नंबर में भी पूछ दे तो टेंशन नहीं लेना है आपका यहाँ पर कवर होते जा रहा है चाहे दो नंबर में पूछे चाहे तीन नंबर में आराम से आंसर दे देना है हड़प्पा वासी देखिये यहाँ पर उत्तर क्या है हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरे कुएँ और जल संग्रह जैसे तालाब वगैरह होंगे करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था इनका विवरण निम्न प्रकार से दिया हुआ है जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान सोतगोई नामक स्थान में हड़प्पाई नहरों के चिन प्राप्त हुए हैं हैं पर नहर मिले है, नहर मिले यानी के द्वारा सिंचाई की, नामक से पानी की बावली मिला है। इसे के, के लिए पानी देने के लिए जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था तो इस तरीके से आपको वाइज आंसर लिखोगे अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में चिंता नहीं करना है आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन ग्यारह नंबर क्वेश्चन क्या आपका बर्तनों के विभिन्न प्रयोगों का उल्लेख कीजिए कौन से बर्तन जो सिंधु घाटी में यह बर्तन किन किन चीज़ों से बनाए जाते थे यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन मिले उनके बारे में एक्सप्लेन करना है हल्का फुल्का दो मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे या तीन मार्क्स के और उसके बाद फिर इन बर्तन को किन किन चीज़ों से बनाया जाता था ये भी बताना है यहाँ पर उत्तर क्या है जैसे कुछ बर्तन चक्की अनाज या खाद्य पदार्थ जैसे कुछ बर्तन जैसे चक्की अनाज या फिर खाद्य पदार्थ वाले बर्तन है ना? पीसने के लिए प्रयोग किए जाते थे इन बर्तनों को चीजों को मिलाने के लिए अलग रखने के लिए और खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था यह या पात्र यानी यह बर्तन पत्थरों धातुओं और चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे किससे बनाए जाते थे पत्थरों से धातुओं से और चिकनी मिट्टियों से भी बनाए जाते थे चलिए आगे देखते हैं बारह नंबर क्वेश्चन नंबर क्या आपका चहुदड़ों के लोगों के शिल्पकारी के नाम लिखिए शिल्पकारी कौन होता है जो डिजाइन बन, बनाते हैं किसी भी चीज में अपना कलाकारी दिखाते हैं ना डिजाइन बनाते हैं ना वो उसी को शिल्पकारी कहते हैं तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से थे मनके बनाना शैल काटना यानी पत्थरों को काटना धातु कार्य करना या मोहरे बनाना या फिर बाट बनाना ये सारे क्या थे चहुदड़ों के लोगों के शिल्पकारी के नाम थे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तेरह नंबर तेरह नंबर क्या है उन तीन केंद्रों के नाम लिखिए जहां विशिष्ट ड्रिल से जुड़े हुए मनकों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा चहुदड़ो लोथल और धौलाविरा इसी जगह से प्राप्त हुए हैं आगे देखते हैं फोर्टीन नंबर फोर्टीन नंबर क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे बड़े शहरों के नाम लिखिए तो सबसे बड़ा जो शहर था वो था मोहनजोदड़ो और दूसरा हड़प्पा ठीक है आगे देखते हैं पंद्रह नंबर क्वेश्चन भारतीय उप महाद्वीप से बाहर तीन उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जिनके हड़प्पाई लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे जिनके साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार का संबंध रखते थे तो पहला है आपका उत्तर ओमन दूसरा आपका दिलमुन तीसरा आपका मेसो पोटामिया आगे बढ़ते सोलह नंबर क्वेश्चन हड़प्पाई लोगों के यातायात के तीन साधनों के नाम लिखिए पहला यातायात जो साधन था बैलगाड़ी दूसरा नाव था तीसरा जहाज अरे वो वाला जहाज नहीं पानी जहाज ठीक है आगे देखते हैं सत्रह नंबर क्वेश्चन उन वस्तुओं के नाम लिखे जो हड़प्पा वासियों द्वारा लिखने के लिए प्रयोग में लाए गए तो इसका उत्तर क्या होगा पहला नंबर है मोहरे दूसरा आपका तांबे के उपकरण जैसे औजार यानी कौन कौन से ऐसे वस्तु थे जिस पर लिखा गया था यानी लिखावट की गई थी तो यहाँ पर देखिए पहला था मोहरे दूसरा में यहाँ पर तांबे के उपकरण जैसे औजार जो थे उन पर तीसरा आपका काले धारी धार जारों के रिमो पर चौथा आपका तांबे और चिकनी मिट्टी की बनी हुई सारणियों पर पांचवा आपका जेवरातों पर छठा आपका हड्डियों की सलाखों पर सातवां आपका निशान लगे हुए पटों पर आठवां आपका घुलनशील पदार्थों पर भी लिखाई की जाती थी मतलब घुले हुए लिक्विड पदार्थ में भी सोचो लिखाई की जाती थी घुलनशील यह पदार्थ समय के गुजरने के साथ साथ समाप्त तो हो गए तो यानी घुलनशील चीज़ों में जो लिखते थे उसके बाद फिर यह पदार्थ क्या होता था जो लिक्विड है तो वो सीधा बात है कि गुजरने के साथ साथ समय के साथ साथ वो समाप्त हो जाएंगे तो इन सभी चीज़ों में क्या होता था हड़प्पा वासियों द्वारा लिखने का प्रयोग किया जाता था आगे देखते हैं अठारह नंबर क्वेश्चन अठारह नंबर क्वेश्चन क्या आपका क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हड़प्पा के लोगों में साक्षरता बहुत ज्यादा फैली हुई थी उत्तर आपका हम निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों में साक्षरता बहुत ज्यादा फैली हुई थी कि नहीं हाँ हम नियमित रूप से कह सकते हैं कि अनेक लोग साक्षर थे तभी विभिन्न वस्तुओं पर लिपि के प्रयोग या फिर प्रमाण या फिर साक्ष्य उपलब्ध होते हैं आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका भारतीय पुरातत् विज्ञान के जनक सामान्यतः किसे कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व विज्ञान के जो जनक है उस किसे कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को किसे कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है याद रखिएगा बीसवा नंबर क्वेश्चन क्या है उन छे स्थलों को बताना है जहाँ हड़प्पा संस्कृति उन्नत और परिपूर्ण थी तो देखिए यहाँ पर ध्यान से ये छे कौन कौन है पहला हड़प्पा है जो पंजाब में था दूसरा आपका मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में था तीसरा आपका चहुदड़ो ये भी सिंध में था चौथा आपका लोथल गुजरात में है पांचवा आपका कालीबंगन ये राजस्थान में है छठा आपका बनावली ये हरियाणा में है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का ज्ञान हमें किन स्रोतों से प्राप्त होता है यहाँ पर देखिए किन किन स्रोतों से प्राप्त होता है पहला यहाँ पर दिया हुआ विभिन्न स्थलों की खुदाई से प्राप्त सड़कों गलियों भवनों स्नानगारों आदि के द्वारा नगर योजना वास्तुकला और लोगों के रहन सहन के विषय में जानकारी मिलती है ध्यान से समझिए नगर योजना और वास्तुकला और लोगों के रहन सहन के बारे में कैसे पता चलता है किससे पता चलता है खुदाई करने से जो सड़कें मिली और और जो गलिया मिली भवन मिली स्नानागार मिली इनसे पता चला दूसरे नंबर पर क्या है कला शिल्प की वस्तुएं जैसे तकलिया मिट्टी के लोने, धातु की मूर्तियां आभूषण मृत आदि से विभिन्न दशा के विषय में जानकारी प्राप्त होती है तीसरा इस तरीके से इस का उत्तर लिखिएगा आपका सही नंबर मिलेगा एक भी नंबर नहीं कटेगा बाईस नंबर क्वेश्चन मोहन जोधड़ो के सार्वजनिक स्नानागार के विषय में आप क्या जानते हैं मोहन जोदड़ो के जो सार्वजनिक स्नानागार था बड़ा विशाल जो स्नाना

जो राजघराने के लोग होंगे या बड़े बड़े जात के जो लोग होंगे वो एक एरिया में रहते थे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से चारों तरफ बाउंड्री होगी और यहाँ पर उनके घर होंगे और क्या था कि उनका एक ही रास्ता था इस जगह से निकलने का यहाँ पर एक रास्ता था ठीक है यहीं से आप प्रवेश कीजिए और अपने घर की ओर जाइए या जिस किसी के यहाँ पर जाना है तो इसे ही दुर्ग क्षेत्र कहा जाता था या फिर दुर्ग के लोग के कैटेगरी वाले लोग रहते थे यहाँ पर जानते हैं कि दुर्ग के टीले में है ठीक है जो सार्वजनिक स्नानगार था वो कहाँ है आपका दुर्ग के टीले में दूसरा क्या यह स्थापित कला का सुंदर नमूना है इसकी लंबाई 11.88 मीटर सॉरी मतलब 11.88 मीटर और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है इसके साथ सीढ़ियाँ, कपड़े बदलने के कमरे कुआं और गंदा पानी बाहर निकलने की भी मार्ग थी यानी अभी भी मार्ग है तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो ईस नंबर देखिए ओ तीसरा पॉइंट यहाँ पर छूट गया यह धार्मिक अवसरों पर प्रयोग किया जाता था ठीक है जो धार्मिक अवसर होते थे जैसे अभी तालाब नहीं होता है छठ छठ में हम लोग धार्मिक त्यौहार में उपयोग करते हैं कोई सार्वजनिक तालाब होता है वहां पर सारे कोई जाते हैं छठ तालाब में छठ पूजा करने के लिए उसी तरह वो भी एक धार्मिक अवसरों पर उसका प्रयोग किया जाता था वहां का जो विशाल स्नाना था आगे देखिए तेईस नंबर क्वेश्चन क्या आपका आप किन तथ्यों के आधार पर कह सकते हैं कि सिंधुवासी सफाई और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे उत्तर आपका हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान पक्के थे और सड़कों तथा गलियों के किनारे स्थित थे यानी जो घर थे वो सड़कों और गलियों के किनारे स्थित थे क्यों जिससे हवा का आगमन हो सके दूसरा नंबर क्या आपका घरों का गंदा जल बाहर निकलने के लिए ढकी नालियाँ बनी हुई थी जिनका पानी नगर से बाहर तक जाता था तीसरा नंबर क्या आपका अधिकांश मकानों में स्नानागार तथा कुएं आदि प्राप्त हुए यानी सभी के घर में नहाने का एक घर था स्नान घर था और कुआं भी था सभी के घर में ठीक है चौथा क्या आपका कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए एक जगह टैंक बने हुए थे यानी इधर उधर कूड़ा नहीं फेंके जाते थे तो ये सब कारण थे जिसके कारण सिंधुवासी सफाई और स्वास्थ्य का एक विशेष ध्यान रखते थे चौबीस नंबर क्वेश्चन क्या आपका हड़प्पा के स्वाधानों में कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है और क्यों यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है आपका हड़प्पा के स्वधानों में दैनिक प्रयोग की वस्तुएं जैसे कि बर्तन मटके आभूषण तांबे तथा दर्पण आदि मिलते हैं

किसी भी वस्तु का तौल और माप कैसे करते थे इसके बारे में वर्णन करना है तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपका नगरवासियों ने व्यापार और आदान प्रदान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए माप और तौल का प्रयोग किया है ये बाटों का तौल में प्रयोग करते थे जो सोलह या उनके गुणांकों में प्रयुक्त होता था जिसे चार आठ सोलह चौसठ अस्सी एक सौ साठ तीन सौ बीस और छः सौ चालीस आदि थे तीसरे नंबर पर क्या आपका मापने के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे एक यूनिट होगा है ना एक यूनिट के अनुसार वो लोग मापते होंगे माप के निशान वाले लकड़ी और कांसे के डंटे भी प्राप्त हुए हैं छब्बीस नंबर क्वेश्चन क्या आपका हड़प्पा संस्कृति की काल गणना कीजिए हड़प्पा संस्कृति की जो काल थी उसकी गणना करना है यानी बताना है कि कहा से कब से कब तक ये काल थी तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है आपका यह संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक और भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम विकसित नगर सभ्यता है यानी यह एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है इसकी लिपि ना पढ़े जाने के कारण इसकी निश्चित तिथि अभी तक पता नहीं चला है ठीक है सोपोटामिया और बेबीलोनिया की खुदाई से मोहरों आदि की तुलना सैदेव सभ्यता की इन सामग्रियों से की गई है यानी यानी जो बेबी लोन मेसोपोटामिया ये सब में जो भी बर्तन मिले थे ठीक है जो भी मोहरे मिले थे मतलब जो मेसोपोटामिया में जो बर्तन मिले बेबी लोनिया में जो बर्तन मिले खुदाई करने के बाद और मोहरे मिले इससे सिंधु सभ्यता में जो बर्तन मिली सामग्री मिली उससे तुलना करके यह पता किया गया कि यह काल छब्बीस ईसा पूर्व से लेकर उन्नीस ईसा पूर्व तक निश्चित किया गया ठीक है तो ये था आंसर इसका सताइस नंबर बढ़ते हैं क्या सेंधो सभ्यता एक नगर सभ्यता थी यानी जो सिंधु सभ्यता थी क्या वो एक नगर सभ्यता थी जी हाँ ऑब्वियसली नगर सभ्यता थी या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है इस सभ्यता के नागरिक जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तो दोनों का आंसर सेम लिखना है यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता एक नगर सभ्यता थी यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है पहला इस संस्कृति में नगरों में सड़कों का निर्माण किया गया था जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी यानी अगर इस तरीके से रास्ता है तो फिर इस तरीके से मुड़ा है या फिर अगर आगे चल के थोड़ा सा आगे जा रहा है तो फिर इस तरीके से मुड़ा यानी समकोण पर ठीक है समकोण वाले एंगल पर ये आ, काटती थी और चौराहों का निर्माण करती थी दूसरा नंबर क्या आपका मकान का विन्यास जालों के समान है इन मकानों में जालों के समान मतलब बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर मकान बने हुए थे ऐसा लग रहा था कि जैसे जाल के समान दिख रहे इन मकानों में आराम की भी सभी व्यवस्था थी मकान पक्की ईंटों के थे नगरों के गंदे पानी को निकालने के लिए पक्की और ढकी नालियाँ ठीक है आज के टाइम में तो एक जरा सा भी नली ढका भी नहीं रहता है तो वहाँ पर ढकी नलिया की भी व्यवस्था की गई थी अनेक घरों में स्नानगार आदि थे यानी नहाने के लिए स्नान भी थे नहाने के लिए जो स्नान नहीं होता है ओ, जैसे और जैसे बाथरूम और कुआं भी था ठीक है आगे आपका विशेष अवसरों के लिए सार्वजनिक स्नानागार बनाए गए थे यानी और जो भी विशेष अवसर होते थे वहां पर सार्वजनिक सामाजिक अवसर होते थे उसके लिए एक स्नानागार भी बनाए गए थे तो इस तथ्य से यहाँ पर पता चलता है कि इस सभ्यता एक नगर वाली सभ्यता थी आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युग युग्य सभ्यता क्यों कहते हैं कांस्य से सभ्यता क्यों कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ सकता है इसको याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तो क्यों कहते थे हड़प्पा के लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी ठीक है कांसा कैसे बनता है तांबे और टीन के मिश्रण से और ये हड़प्पा वासियों को बखूबी आता था दूसरा कारण क्या आपका कांसे की सहायता से हड़प्पा के लोग उन्नति के शिखर पर पहुंच सके उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया अतः हड़प्पा संस्कृति को कांस्य योग्य सभ्यता कहते हैं आगे देखिए एक तीस नंबर क्वेश्चन अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमारी जानकारी कम क्यों है मतलब जो भी अन्य सभ्यताएं थी जिसकी अपेक्षा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमें जानकारी थोड़ा कम है इसका क्या कारण है यहाँ पर देखिए उत्तर उस काल की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है मतलब किस काल की जो हड़प्पा सभ्यता जिस काल में मिली थी यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस काल की लिपि हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं इसका रीजन क्या है क्योंकि वहाँ की जो लिपि थी वो ऐसी लिखी है मतलब एक चित्रात्मक लिपि है जिसको पढ़ना मुश्किल है लेकिन अभी भी रिसर्च चल रहा है जिस दिन अगर उस लिपि के बारे में पता चल गया तो आगे आपका ट्वेल्थ क्लास में सब्जेक्ट और बढ़ जाएगा ठीक है डरिए मत कोई टेंशन मत लीजिए अभी बहुत देर है उसके बारे में जानना दूसरा क्या आपका केवल पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन करते हुए अनुमान के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में यानी सभ्यता का समय का विकास आदि ज्ञान प्राप्त कर पाए हैं मतलब वहां के है ईट मिले, मिले, मिले जो भी चीज मिले उसी अवशेष के द्वारा ही उनके बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई समय के बारे में पता चला कि ये किस समय से सभ्यता स्टार्ट हुई होगी इसका प्रारंभ हुआ होगा सभ्यताओं के संबंध में जानकारी का मुख्य आधार उनकी लिपि का पढ़ा जाना है ठीक है यानी अगर उनके लिपि के बारे में पढ़ लिए तो समझिए कि उस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लिए बत्तीस नंबर क्वेश्चन क्या आपका हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख नगरों के नाम लिखिए तो प्रमुख यानी जो खास खास नगरे थे वो कौन थे मोहन जोदड़ो रोपड़ लोथल बनावली और भी है उनका भी उत्तर लिख सकते हो तैतीस नंबर क्वेश्चन क्या आपका कार्नेलियन से मन के किस प्रकार तैयार किए जाते थे कार्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों मनकों को आग में पकाकर जो भी मनके होंगे है ना मान के चलिए इस तरीके से अगर कोई मनके होंगे तो उस मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था उसके बाद जब वो पक जाता था उसके बाद फिर क्या किया जाता था पिंडों के पहले अप्रकृष्ट आकारों जो भी डिज़ाइन होंगे वो डिजाइन उसमें देते होंगे जिस प्रकार से वो बनाते होंगे मन के उसको डिज़ाइन में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क यानी उसको रूप दिया जाता होगा निकाल कर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था उसको तोड़ तोड़कर उसको डिज़ाइन किया जाता होगा उसको रूप दिया जाता होगा जिस रूप में अच्छा दिखे उसके बाद फिर उसकी घिसाई करते होंगे मतलब उसको पॉलिश करते होंगे और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी चौ महुदड़ो लोथल और हाल में धोला से छेद करने के भी विशेष उपकरण मिले हैं तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो आगे देखिए यहाँ पर चौतीस नंबर क्वेश्चन के आपका उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक किन वस्तुओं को ढूंढते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्विक निम्नलिखित वस्तुओं को ढूंढते हैं पहला परस्पर पिंड दूसरा पूर्ण संख तीसरा आपका तांबा यस्क जैसा कच्चा माल चौथा आपका औजार पांचवा आपका अपूर्ण वस्तु छठा आपका परिपक्व माल और सातवा आपका कूड़ा करकट आगे देखते हैं नेक्स्ट पैंतीस नंबर क्वेश्चन ओमान यानी अरब के हड़प्पा सभ्यता के संबंध के क्या प्रमाण है यानी जो अरब ओमान का जो सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता के बीच में जो संबंध है इसके क्या प्रमाण है क्या साक्ष्य है ये बताना है तो पहला यहाँ पर देखिए ओमान अरब प्रादीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित था संभवतः हड़प्पा में तांबा यहीं से आता था यानी जो तांबा आता था हड़प्पा सभ्यता में वो ओमान से ही आता था रासायनिक विश्लेषण से ज्ञात होता है कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं ठीक है यानी दोनों में निकल के अंश मिले हैं जो उभयनिष्ठ उद्भव को दर्शाते हैं यानी दोनों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं दूसरा क्या आपका एक हड़प्पाई मर्तबान ओमानी स्थलों से भी मिले हैं इस मर्तबान पर काली मिट्टी की एक परत चढ़ाई जाती थी आगे देखिए छत्तीस नंबर क्वेश्चन हड़प्पन लिपि की दो विशेषताएं बताइए पहला यहाँ पर देखिए हड़प्पन लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है ये आपका पहला विशेषता है यह निश्चित रूप से यह वर्ण नहीं है मतलब जैसे हम लोग का लिखा हुआ है ना जैसे वर्णवाला के अनुसार हम लोग का वर्ड लिखा हुआ है लिपि लिखा हुआ है हिंदी का अलग रहता है वर्णवाला इंग्लिश का अलग होता है और भी भाषा का अलग होता है लेकिन वो वर्णवाला नहीं था क्योंकि वर्ण के प्रत्येक चिन्ह एक स्वर या फिर व्यंजन को दर्शाता है वो तो चित्रात्मक था और यह लिपि दाई से बाई की ओर मतलब इधर से लिखा हुआ रहता था अभी ये हिंदी पढ़ रहे तो इधर से पढ़ रहे हैं क्योंकि दाई और चौड़ा अंतराल है और बाई और यह संकुचित है जैसे दाई और क्या है आपका इधर बड़ा है ऐसे बड़ा है और बाई और क्या यह ऐसे छोटा छोटा है तो इस तरीके से लिखा हुआ रहता था सैंतीस नंबर के आपका हड़प्पाई पुरातत्व में क्या उन्नति हुई हड़प्पाई पुरातत्व में आखिर क्या उन्नति हुई ये आपको बताना है तो यहाँ पर पहला क्या है आपका रीजन 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर महाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनसे मिट्टी पत्थर धातु की वस्तुएं वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु धरातल का अंतवेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के प्रत्येक सूक्ष्म टुकड़े का भी विश्लेषण शामिल है तो ये टोटल आपके तकरीबन 35-36 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से मेरे एमसी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़े मॉडल पेपर में भिड़े सारे कंप्लीट इसी तरह सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन भिड़ेंगे बस आपको करना क्या है सारे वीडियो आपको पूरे देखने होंगे तभी होगा नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा नए व्यवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त फ्रेंड और रिलेटिव में आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए जय हिंद